दोस्तों, मेरा नाम श्रुति गुप्ता है और मैं लोकसभा निर्वाचन सीट 37 अमेठी की रहने वाली हूँ, जायस अमेठी की रहने वाली हूँ। और कल यहाँ पर निर्वाचन है, जी हाँ, चुनाव है, 6 महीने और कल मुझे भी वोट देना है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वोट दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए मैं काफ़ी बार नगर पालिका में प्रार्थना पत्र दे आई हूँ और वो समस्या जड़ से ख़त्म नहीं होती। और मैं चाहती हूँ कि वो समस्या यहाँ से जड़ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए साल में जब बारिश का सीजन आता है तो ये बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। कई बार हमने इसके लिए प्रार्थना पत्र भी नगर पालिका में दिया, लेकिन वो अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। भाजपा के जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत वहाँ से उसे हटाया गया, वहाँ की सफाई की गई, लेकिन शाम के बाद वो सिर्फ मुझे लगा कि वो, आप लोग जानते हो कि बस वो एक फ़ोटो शो जैसा रह गया और उसके बाद उसकी सफाई नहीं हो पाई। और जो हमारे पूर्व सांसद हैं अमेठी के, राहुल गांधी जी, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। अमेठी का विकास 0 है और मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा अविकसित जिला कोई नहीं है जितना अमेठी है। लेकिन मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की नागरिक हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे विकास हो। सबसे बड़ा पहला विकास जाकर स्वच्छता का हो, क्योंकि आपको दिखा दूँ कि ये जो मैं जहाँ पे रहती हूँ, सराफा मंडी, जाए सराफा मंडी में, यहाँ पे पीछे लगती है बहावगंज की सब्जी मंडी, जी हाँ। और सब्जी मंडी का सारा कूड़ा मेरे घर के पीछे लगाते हैं। ये कोई सरकारी जगह नहीं है, फिर भी यहाँ पर नगर पालिका अपना कूड़ा इकट्ठा करती है। बहुत बार हमने रिक्वेस्ट की तो अब क्या होता है, हफ्ते में 1 या 2 दिन कूड़ा उठ जाता है और वैसी की वैसी समस्या बनी रहती है। और यहाँ के जो आस पास लोग हैं, भाई शौचालय, घर घर शौचालय, इज्जत घर बनवाया है भाजपा ने, लेकिन उन पैसों का भी कोई यूज नहीं हुआ। गड्ढे खुदे, फिर पैसे मिलने के बाद पट गए। यहाँ पे क्या होता है, लोटा लेके चल देते हैं और पीछे आके यहाँ पे करते हैं और इतना ज़्यादा गंदगी मचाते हैं और इतना ज़्यादा। और 2 महीने बाद बारिश होने वाली है और ये बारिश के बाद ये नर्क हो जाएगा। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ आप लोग से, क्या इस समस्या से, मैं बचपन से मैंने इस समस्या देखी है और आज भी है, क्या मैं जिस भी व्यक्ति को चुनूंगी, चाहे स्मृति जी को चुनूँ, और आपको पहले बताया कि मुझे राहुल गांधी जी से उम्मीद नहीं है, स्मृति ईरानी जी से थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी का जो कार्य है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। आजकल के जो नव युवक हैं, जो भी हैं हमारे तरह युवा वोटर, उनको काफ़ी, मतलब उन्होंने आकर्षित किया है अपने कामों से, और उन्होंने जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की है उसके वजह से मैं उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ। लेकिन उसके साथ मेरी जो समस्या है, क्या वो समस्या अगले 5 साल बाद जब मैं लोकसभा चुनावों को मैं जब वोट दूंगी, क्या वो समस्या वो ऐसी बनी रहेगी या अगले 1-2 महीने में ये समस्या ख़त्म कर दी जाएगी। बस मैं जो भी यहाँ पर भाजपा के जो भी मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या वो इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देंगे। आपको बता दूँ, वहावगंज की जो सब्जी मंडी लगती है, यहाँ पे जो शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो भी व्यापारी लगाते हैं, जो भी लोग यहाँ पे सब्जी मंडी में आते हैं, वो इसी कूड़े पे करते हैं आके। आपको मैं किन शब्दों में बताऊँ, जो भी है यहीं पे करते हैं आके। यहाँ पर आपको बता दें, कोई भी ऐसा टॉयलेट की व्यवस्था नहीं की गई, ना ही कोई कूड़ा कूड़ादान रखवाया गया है। वहाँ पर सारा कूड़ा इकट्ठा होता है और बाद में जब बारिश होगी, इतनी सड़न होगी, 2 महीने बाद हमारा रहना नर्क हो जाएगा। नगर पालिका क्या करेगी, 1 दिन कूड़ा उठाएगी, कह दे कि हाँ भाई हम तो कूड़ा उठाते हैं। भाई हमें कूड़ा उठाने वाला नहीं चाहिए, अभी नगर पालिका झाड़ू लगाएगी सब्जी मंडी में और कूड़ा यहीं डाल जाएगी। अब अभी मेरे पास कोई भी, क्योंकि चुनाव कल है, इससे पहले मैंने ये चीज़ जो वीडियो है मैंने कोई प्लान करके नहीं बनाया, वरना मैं आपको वो एप्लीकेशन भी दिखाती। मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं, मैंने एप्लीकेशन जमा कर दी, वरना मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखाती। मैंने कई बार इसकी रिक्वेस्ट की है, मेरे पापा जब थे तो वो उन्होंने काफ़ी बार इसके लिए कोशिश की, लेकिन ये कूड़ा टस से मस नहीं हुआ, यहीं का यहीं लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये कूड़ा स्थानांतरित कर दिया जाए, कहीं और भेज दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग आराम से रह सके। और रही बात, क्योंकि ये आपको देख सकते हो, यहाँ पर सब्जी मंडी है और इसके अलावा सब्जी मंडी में तो कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो सराफा मंडी होती है वहाँ पे भी कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर भी गंदगी रहती है। तो मैं चाहती हूँ, जब जायस का मेन बाजार है, सराफा मंडी बाजार है, वहावगंज की सब्जी मंडी है, तो यहाँ पर एक टॉयलेट की व्यवस्था तो होनी चाहिए। और यहाँ का जो कूड़ा जो लगता है, इतना
एकदम आपको बता दूं, आप देख सकते हो मेरा गेट है, अब गेट बिल्कुल हमने ब्लॉक करवा दिया कि कूड़ा हमारे गेट तक आ गया था। हमारी हम कोई ना वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ना कुछ भी, हम उसका यूज नहीं करते। हम लोग हमेशा आगे वाले गेट का ही इस्तेमाल करते हैं, आने जाने में कभी जरूरत पड़ी तो हम पीछे के गेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं बस इतना चाहती हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, चाहे भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, क्या वो मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि ये कूड़ा 2 महीने के अंदर या 1 से 2 महीने के अंदर हट जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कल परसों ही हटाइए, क्योंकि भाई बहुत जन्मों की समस्या है। मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, क्या 1-2 महीने के अंदर हट जाएगा? क्योंकि इस बार तो मैं आपके आश्वासन पे दे दूँगी। और रही बात, आप तो काम अच्छा कर रहे हो, इसलिए मैंने ये उम्मीद लगाई कि मैं आपको ये वोट दूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरी ये समस्या है उस समस्या को हल होगी या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। और यहाँ पर लोगों का, हमारी 1-2 बार हमारी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश का पानी गिरता है ना, तो यहाँ जो प्याज के सड़े प्याज और आलू के जो डाल जाते हैं उसके बाद ये सड़न मच जाती है और रहना नर्क जैसा हो जाता है। पूरा सराफा मंडी ही बदबू करता है। तो मैं बस इतने बस जानती हूँ, जानना चाहती हूँ कि कल जब मैं वोट देने जाऊँ तो क्या, किस उम्मीद पे मैं वोट देने जाऊं कि मेरी ये जो समस्या है कूड़े की, वो स्थानांतरित होगी कि नहीं, और वहावगंज में शौचालय की व्यवस्था होगी कि नहीं, वहावगंज की सब्जी मंडी में और सराफा मंडी में। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे फटाफट जो भी है वो कमेंट करें इस बात को। मैं मुझे आपके जो कमेंट्स का है वो इंतज़ार है कि आप मुझे कमेंट्स में ये आश्वासन देते हैं कि नहीं, होगा कि नहीं। और साथ में मैं 1 से 2 महीने बाद फिर एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, फिर एक वीडियो बनाऊँगी, और जो भी मुझे ये आश्वासन देगा कि मैं उसे ये वीडियो टैग करूँगी, और फिर मैं उनसे ये सवाल पूछूँगी कि आपने मुझे आश्वासन दिया था तो ये काम हुआ कि नहीं। और रही बात, जो भी यहाँ के सांसद बने उनसे मुझे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो भी युवा वर्ग है उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करें। कुछ ऐसा रोज़गार होना चाहिए यहाँ पे अमेठी में जो यहाँ के जो क्षेत्र हैं, जो युवा हैं, उनको काम मिल सके उसमें, और वो कुछ अच्छा सीख सके। और इसके अलावा यहाँ की जो मेन सबसे समस्या है अमेठी की, वो लोटा बाल्टी यहाँ ना हो अमेठी में। और इसके अलावा स्वच्छता जो इसके मेन मुद्दा है अमेठी का, उस स्वच्छता के को हमारे प्लीज़ हमारे अमेठी को जगमगा दीजिए, वहाँ की जो गंदगी है उसे निकाल दीजिए। बस बस इतना मैं चाहती हूँ, और रोज़गार की व्यवस्था कर दें। और इसके अलावा जो मेरी सबसे है पहले कि 1-2 महीने पहले ये जो कूड़ा है उसे हटाया जाए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट क्या, रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, मैं रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज़ कही है लेकिन अभी तक इसका कोई भी ऐसा हल नहीं निकला। और मैं आपके आश्वासन पे ही वोट देने जाऊँगी। तो बस मुझे अपनी बात कहनी थी, मैंने आपको अपनी बात कह दी।